छत्तीसगढ़ में पहली बार भर्ती व्यापम को मिले भर्ती के लिए 20 विभागों से प्रस्ताव। पहली बार जो है एक साथ जो है 400 पदों पर जो है आप लोगों के लिए भर्ती जो है होने वाली है, और ये सबसे बड़ी भर्ती जो है आपके व्यापम में होगा। और जितने भी भर्ती परीक्षा, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं, भर्ती परीक्षा निकाले जाते हैं, और व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो व्यापम को मिले हैं भर्ती के लिए 20 विभागों से अलग अलग जो है प्रस्ताव। तो आप इसके लिए जो है बहुत ही आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और इसमें आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 20 विभागों में, अलग अलग विभागों में, चाहे वो आपके स्वास्थ्य विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती होना है, और स्टाफ नर्स के तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट होते हैं स्वास्थ्य विभाग में। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की बात करें, जल संसाधन विभाग के, तो इसमें जो है आमीन पटवारी के ही अकेले 288 पदों पर जो है भर्ती होना है। क्योंकि देखिए पटवारी के 301 पोस्ट निकला था प्रीवियस ईयर में, उसका पूरा प्रोसीजर हो चुका है। तो 288 पदों पर जो है सिंचाई विभाग में आमीन पटवारी के भर्ती जो है होने वाला है, और ये भर्ती, ये वैकेंसी जो है हर एक महीने में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे, तुम अगर अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से प्रिपरेशंस करोगे, अच्छे से हार्डवर्क करोगे, तो इसमें आपको अच्छा रिज़ल्ट जो है देखने को मिल पाएगा। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा रिज़ल्ट होगा, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, सफलताएँ भी उतनी ही मिल पाएगी, कामयाबियाँ भी उतनी मिल पाएगा। तो 20 विभागों में, अलग अलग विभागों में भर्तियाँ हैं। तो अगर हम बात करें अमीन पटवारी के, तो अमीन पटवारी बनने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि हम 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, आप अमीन पटवारी बनने के लिए योग्य हैं। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परेशानी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें आयु सीमा के, कम से कम मिनिमम उम्र, कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष जो है होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र जो है 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज जो है छूट देखने को मिलता है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में 5 वर्ष का जो है छूट मिलेगा। वहीं ओबीसी वर्ग के हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट, तो आपको जो है 3 साल का छूट इसमें देखने को मिलता है। तो यदि यहाँ एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 40 साल के आवेदन कर पाएंगे, वही यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट 38 साल के आप आवेदन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती हैं, छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स हैं। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी, आपको उतनी ज़्यादा कामयाबियाँ जो है मिल पाएगा। तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है, आपके मेहनत के ऊपर ही डिपेंड है। जितना ज़्यादा तुम काम करोगे, उतने ज़्यादा तुम्हें सफलता मिल पाएगी, उतने ज़्यादा तुम्हें शोहरत मिल पाएगी। साथ में जो है सहायक ग्रेड 3 के भी पदों पर जो है भर्ती होना है। तो आने वाले समय जो है आपका ही होगा। आने वाले समय में जो है एक के बाद एक जो है अपडेट्स, एक के बाद एक जो है भर्तियाँ, एक के बाद एक जो है वैकेंसीज, एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है आते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा कामयाबियाँ, आपके लिए उतने ही ज़्यादा शोहरत जो है मिलने वाला है। आपको हर एक चीज़, वो नेम फेम चाहिए, नेम फेम पैसा सभी चाहिए, वो सभी चीज़ मिलेगा। बस मेहनत करेंगे तब, हार्डवर्क करेंगे तो, पढ़ाई करेंगे तब। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तभी आपको कामयाबियाँ जो है मिल पाएगी, तभी आपको जो है सफलताएँ जो है मिल पाएगी। बिना पढ़ाई किए तो कुछ भी नहीं मिलता। और ये बिल्कुल मत सोचो कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा, मुझे कामयाबियाँ नहीं मिल पा रही। कोई बात नहीं, इस वक्त अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही हैं, कामयाबियाँ नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं, आने वाले समय में आपको कामयाबियाँ मिलेगी, आने वाले समय में आपको जो है सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, और यदि आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस कहीं जाने वाला नहीं है। सक्सेस जो है आज नहीं तो कल, कामयाबी आज नहीं तो कल, सफलताएं आज नहीं तो कल आपको जो है डेफिनेटली जो है अवश्य रूप से मिल पाएगा। बस इस सफलता को पाने के लिए हमें लगातार जो है मेहनत करना है, रेगुलर जो है हमें मेहनत करते रहना। जितना ज़्यादा आप रेगुलर मेहनत करोगे, कंसिस्टेंस को अपनाओगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है एडवांटेज होगा, उतने ही ज़्यादा आपको जो है शोहरत जो है मिल पाएगा।
तो आपको कामयाबियां तभी मिलेंगी जब आप लोग मेहनत करेंगे तब। बिना मेहनत किए तो आपको किसी भी प्रकार की कामयाबियां नसीब नहीं होगा। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से जो है हार्डवर्क करो। जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क रहेगा सफलताएं भी उतने ही ज़्यादा मिल पाएगा। तो ये आने वाला समय आपका ही होगा, कोई बात नहीं। अभी आपका मुश्किल वक्त चल रहा है, मुश्किल दौर चल रहा है, तो इन सभी भर्ती के, इन सभी परीक्षाओं के, इन सभी वैकेंसीज के जो है आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली जो है देखने को मिलेगा। तो एक के बाद एक जो है अपडेट्स, एक के बाद एक जो है भर्तियाँ आप सभी स्टूडेंट के लिए, नए नए वैकेंसीज, नए नई अपडेट जो है आने वाला है। तो इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी भी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। देन आपको बेस्ट रिस्पॉन्स जो है मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी अवश्य रूप से हो पाएगा। तो बीता हुआ कल को बदलने के लिए हमें आज जो है मेहनत करना होगा, और आने वाले कल हमारे आज से, आज पर ही डिपेंड करते हैं। और एक बार जो समय सो बीत गया है वो तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाला जो पल है, आने वाला जो हमारा फ्यूचर्स है, उसे हम बदल सकते हैं अगर हम आज, अगर प्रेजेंट में अगर हम मेहनत करेंगे तो। इसलिए जो बीत गया है सो बीत गया है, बीता हुआ कल के बारे में मत सोचो, आने वाले पल के बारे में भी मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर तुम अपने मन को वर्तमान क्षण पर यदि कॉन्सेंट्रेट करोगे तभी तुम्हें सक्सेस मिल पाएगी, तभी तुम्हें कामयाबियाँ जो है नसीब होगा, कामयाबियाँ जो है मिल पाएगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों में ये भर्तियाँ, ये वैकेंसीज, ये अपडेट्स जो है होने वाला है। बस जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशंस करो, जितना ज़्यादा हो सके तुम तैयारी करो, आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली अवश्य रूप से होगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो जो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियो से अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर करना, ताकि इसी तरीके से नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ सकूँ। बस ख्याल रखो, तैयारी करो, और 400 पदों पर जो है हॉस्टल वार्डन के जो है पोस्ट जो है होने वाला। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, 12th पास आउट होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स हो। कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। बिना कंप्यूटर्स कोर्स किए आप जो है हॉस्टल वार्डन नहीं बन सकते। तो वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। तो इसी तरीके से नए नए अपडेट्स, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी जो है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ख्याल रखो, एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, आपका वक्त ज़रूर